समाजवादी पार्टी के नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष शानिया अली शानू के इस्तकबाल और उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 जून गुरुवार को भी अनेक सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहल्ला नवाबपुरा मुरादाबाद में सपा महानगर अध्यक्ष के कैंप ऑफिस पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की और बुके भेंट करके व फूल मालाएं पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। वरिष्ठ सपा नेता एवं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव जयपाल सिंह सैनी ने सपा महानगर अध्यक्ष को बुके भेंट करने के बाद सिटी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं और प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे बीच के साथी को उन्होंने महानगर की कमान सौंपी है। साले सानू जी को ये बहुत जिम्मेदार, बहुत ही सिद्धांतवादी, बहुत ही जिजवारू नेता हैं और इनके बनने से महानगर की जो पार्टी में मजबूती 4 गुना बढ़ जाएगी और दोनों सीटें इनके कार्यकाल में आने वाले समय में दोनों विधानसभा जीतेंगी, ये मेरा मानना है। क्या अपील करना चाहेंगे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं? मैं चाहूँगा उन कार्यकर्ताओं से, अपने सीनियर और साथियों से कि महानगर अध्यक्ष जी का सहयोग करें और काम में जुट जाएं 2022 के मिशन में। युवा सपा नेता एवं समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व जिला महासचिव संजीव दिवाकर ने भी इस अवसर पर शानिया अली शानू को महानगर अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसे साथी को महानगर अध्यक्ष बना के भेजा है जिसकी जरूरत महानगर को थी। एक ऐसे दमदार नेता महानगर को मिले हैं जिनके कार्यकाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें जीती और ऐसे महानगर अध्यक्ष जो कार्यकर्ताओं को लगन के साथ लेकर चलते हैं, छोटा ना बड़ा ना समझते हुए अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले एक ऐसे साथी हमारे महानगर को मिले। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि इस टाइम घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आएँ पार्टी में, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है 2022 के चुनाव में और पार्टी को मजबूत करने के लिए, सानू भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करें। नव मनोनीत सपा महानगर अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में तथा इस अवसर पर मौजूद रहने वालों में खासतौर से दलित एकता मंच के जिला अध्यक्ष जॉन मेजर, सपा नेता दीपक गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी एवं सपा कार्यकर्ता नौशाद अली ठेकेदार, वरिष्ठ पत्रकार जाकिर अली बेग, युवा सपा नेता हाजी तारक मलिक, अजहरुद्दीन खां, अब्दुल गनी, मोहम्मद फहीम एडवोकेट, रईस अहमद वारसी तथा नफीसुद्दीन आदि शामिल रहे। विदित हो कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की स्वीकृति से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 1 जून 2021 को शानिया अली शानू का मनोनयन पत्र जारी किया है और लगातार उसी दिन से उनके स्वागत का सिलसिला जारी है। शानिया अली शानू का शुमार समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी, साबिक कैबिनेट वजीर और रामपुर के सांसद आजम खां के विश्वास पत्रों में किया जाता है। साथ ही उनको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी साबिक कैबिनेट वजीर कमाल अख्तर की भी सरपरस्ती हासिल है।